रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बॉलीवुड के इन सितारों का किया गया था मर्डर। लोग दुनिया में पैसे, जलन, प्यार, नफरत और वासना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन चीजों के कारण कुछ लोगों ने दूसरों की हत्या तक की है। इन चीजों से बॉलीवुड भी बचा हुआ नहीं है। आज हम बॉलीवुड की उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका मर्डर हुआ था। गुलशन कुमार बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी में जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। उन्हें दो लोगों ने गोली मारी थी। उन्हें उस समय 3 गोलियां लगी थी। ब्रिज सदानाह बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और निर्देशक थे। वे अभिनेता कमल सदानाह के पिता थे। उनके पिता ने अपनी पत्नी और उनकी बहनों को गोली मार दी और बाद में खुद को मार डाला। कमल भी घटना का शिकार हुए, हालांकि वे बच गए। उनके पिता ने उसी रात आत्महत्या की जब उनका 20वां जन्मदिन था। लैला खान एक पाकिस्तानी बॉलीवुड अभिनेत्री थीं। उन्होंने फिल्म वफा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्हें उनके सौतेले पिता परवेज टाक ने मार दिया था। मीनाक्षी थापा एक नेपाली अभिनेत्री थीं। उन्होंने डरावनी फिल्म 404 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मीनाक्षी का अपहरण करके उन्हें मार डाला गया था। यह काम उन लोगों ने किया जिन्होंने उनके परिवार से $28,000 निकालने की कोशिश की थी। अभिनेत्री प्रिया राजवंश फिल्म हंसते जख्म और हीर रांझा से काफी मशहूर हुई थी। प्रिया को फिल्म निर्माता चेतन आनंद के जुहू रोहिया पार्क बंगले के बाथरूम में 2000 में गोली मार दी गई थी।